तो आज की रूटीन दिखाती हूँ, आज मैंने मॉर्निंग से क्या किया है और मैंने क्या किया है। सैटरडे वाले दिन थोड़ा सा काम किया है, तबीयत ख़राब थी बट काम करना ज़रूरी था, तो आप वो लोग वो चेकआउट कर कर आइए, फिर हम आज की बात करते हैं। हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। होपफुली हम लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो है वो मैं जा रही थी किचन के टाइल्स साफ करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मैं किचन के टाइल्स कैसे साफ करती हूँ। लेट्स चेक आउट। ये वाले टाइल्स जो बहुत गंदे हो रहे हैं, देखें आप लोग, देखेंगे भी ये देखें, इसके ऊपर लाइन्स पर वाइट वाइट कैसे काला काला जमा हुआ है, और यहाँ पे ये चूल्हा भी रखा हुआ है, तो मैंने कहा चलें आज इसको साफ़ भी कर लेते हैं। अच्छा, साफ़ करने के लिए ये मेरे पास खाली फिनिश की बॉटल है, इसके अंदर फिनिश नहीं है, थोड़ा बहुत अगर इसके अंदर हो तो वो एक अलहदा बात है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी सर्फ, इससे होगा ये कि हम जो आपके किचन में चूटियाँ वगैरह आती हैं, मेरे पास चूटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो वो जो है चूटियाँ नहीं आएंगी। ये यही किया था तो मेरी हफ्ते भर की चूटियाँ थी, बिल्कुल भी चूटियाँ वगैरह कोई कीड़ा वीड़ा कोई भी यहाँ पे जो था वो नहीं था। चेक कर लेंगे और अब मैं इसको मिक्सर को टाइल्स पे लगा दूँगी। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैं इसमें और सर्फ डाल रही हूँ ताकि बहुत अच्छा सा झाग बने। कोई सा भी सर्फ ले लें, कोई स्पेसिफिक सर्फ नहीं है। अब हम मैंने इसके अंदर पानी डाल के अब हम इसको शेक कर लेंगे। अब मैं इसको देखा, मैंने टाइल्स पे लगाया है, शायद आपको नज़र आ रहा हो यहाँ पे, लेकिन अब वो प्रॉपरली लगा नहीं है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि इसको प्रॉपरली लगा लूँ। अब ये मैंने सारी टाइल्स पर जो है सर्फ लगा दी है, ये पूरी टाइल्स पर। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ड्राई होने के लिए, उसके बाद जो है वो हम इसको साफ़ करेंगे। अच्छा जी, ये जो है वो ड्राई हो गया है और अब मैं इसको ये जो बर्तन धोने वाला झामा होता है इससे इसके वाइट वाइट पार्ट्स जो है ना उनको रब करूँगी, तो इसके जितनी भी काला क्या ना वो निकल जाएगी आराम से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितना काला हो रहा था, यह देखिए कितना साफ हो गया है। यहाँ पे ये कालक साफ नहीं हो रही है, ये ज़्यादा जमेगी, बट हम इसको खरचने की कोशिश करेंगे कि ये जो है खरच जाए इस तरीके से। मैं पूरी वॉल को साफ कर लूँगी। ये देखेंगे स्क्रैपर से निकल नहीं रहा था ये जो यहाँ पे काला काला जमा हुआ था, तो मैंने ये पेचकस लेकर स्क्रू ड्राइवर से इसको इस तरीके से खरच दिया, तो ये देखें सारा जो है वो ये बाहर आ गया और अभी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। ये अच्छा जी, उसके बाद हम कोई भी गीला कपड़ा लेकर और उससे हम पूरा जो हमने मिक्सचर लगाया हुआ था सर्फ और पानी और थोड़े से फिनिश का, उसको हम पूरी वॉल साफ कर देंगे। और आप देख सकते हैं ये मेरी टाइल्स जो है वो कितनी साफ सुथरे हो गई है। अच्छे से पूरा हम साफ कर देंगे। ये अब मैंने चूल्हे के ऊपर भी वही सर्फ कप वो लगा के उसको भी साफ कर लिया है और अब मैं इसको इसी गीले कपड़े से पूरे को साफ कर दूँगी। ये रहा हमारे टाइल्स लेने का फाइनल लुक, ये मैंने सारा हिस्सा साफ कर दिया। अभी मैंने वैसे ही लगा के पानी इस वाले टाइल पर और इसको भी ऐसे साफ कर दिया, चूल्हा भी साफ हो गया, हमारी क्लीनिंग हो गई। जो थोड़ा बहुत रह गया है वो नेक्स्ट में साफ होगा क्योंकि वो निकल नहीं रहा था, और जो कॉर्नर्स थे ना आई विल शो यू
यहाँ पे बहुत ब्लैक ब्लैक हो रहा था, ये सब क्लीन हो गया, सब क्लीन हो गया। आज की वीडियो मैं स्टार्टिंग से शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग से कि मॉर्निंग में मैंने क्या किया, बट कल वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। बेसिकली आई एम अस्थमैटिक, तो इनिशियल विंटर्स में मुझे प्रॉब्लम्स आती हैं, इसकी वजह से कल मैं मेडिसिन लेकर आई हूँ। उसके बाद अब अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हूँ। ये मैं जा रही हूँ स्कूल आज सैलरी लेने, आपसे जाकर स्कूल में मिलती हूँ। और हम वापस घर जा रहे हैं और मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। फाइनली हम घर आ गए। एक तो ये बाइकें खड़ी कर देते हैं ना, यार मैं ताला खोल रही हूँ। और ये मैं घर आ गई हूँ। हाँ बहुत गर्मी है बाहर। हाँ मैं घर आ गई और जो है अभी घर में बहुत अंधेरा हो रहा है और ये लाइट ऑन हो गई, बहुत गर्मी है बाहर। फाइनली मेरी सैलरी मिल गई है और जो है बहुत 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 गर्मी है और मैं एक घंटे में वापस भी आ गई। शुक्र 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 कि मैं एक घंटे में वापस आ गई। फाइनली आई गॉट माई सैलरी, बहुत मुश्किल हो रही थी। चलिए अब मैं फ्रेश हो जाऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए आज मैंने बनाई है तहरी और ये मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली टमाटरों के साथ, आई लव इट। तो मैं इसको खा के फिर वापस आती हूँ। वेलकम बैक, हो गया मेरा लंच और अब हम खाएंगे फ्रूट चाट। मेरे पास है एक अनार और ये केले, ये बहुत ज़्यादा गल गए हैं, देख रहे हैं क्या हशर हुआ है केलों का। अब मैं इसकी बना रहे जा रही हूँ चाट, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये फ्रूट्स कट कर लिए हैं, अब मैं इसमें डाल दूँगी ये दही। ये मेरे पास एक पाव दही है, इसमें मैं हाफ डालूँगी। ये बना ली मैंने अपनी फ्रूट चाट, आप चाहें तो इसमें नमक चीनी काली मिर्च डाल के खा सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही पसंद है क्योंकि चीनी डालने के बाद दही ठंड की तासीर ठंडी हो जाती है, इसकी वजह से मैं चीनी नहीं डालूंगी, मैं जस्ट इसको ऐसे ही खाऊंगी। आज जो है वो मैं डिनर में आलू सेम की सब्ज़ी बना रही हूँ। फली का नाम आप मुझे बताइएगा, सेम नहीं है वो, देयर इज अ डिफरेंट फली, बट मैं हमेशा उसका नाम भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ 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 उसको उसका नाम कल मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगी रेसिपी, तो आप उसका नाम देखकर मुझे ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा कि इसका ये नाम है, ताकि मेरी मेमोरी रिकॉल हो सके। अगर मुझे मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उस सब्ज़ी का नाम और मेरा वीडियो कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।